एक समय था जब भारतीय संस्कृति में बहुरूपिया कला का बहुत सम्मान था। धीरे धीरे अब बहुरूप धरकर धार्मिक और ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्रों को प्रदर्शित करने की यह कला और कलाकार लुप्त होते जा रहे हैं। खरगोन जिले के ग्राम उन में इन दिनों बहुरूपियों द्वारा नए नए स्वाग रचकर लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है। यह भारत की अति प्राचीन कला है जो समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला के जरिए कभी यह कलाकार राज दरबारों की शान और श्रेष्ठ जासूस हुआ करते थे, आज यह कला सिर्फ पेट भरने का जरिया बनकर रह गया है। कुछ ग्रामीण इलाकों में अभी भी हर साल कुछ कलाकार आते हैं जो कुछ दिनों तक गाँव में ही रहकर राम रावण, परशुराम, हनुमान, पुलिस, डाकू जैसे कई किरदारों के वेश बनाकर गाँव में सबका मनोरंजन करते हैं। गुरुवार के दिन एक बहुरूपिये ने हिंदी सिनेमा के चर्चित किरदार गब्बर सिंह के भेष में लोगों का मनोरंजन किया। लोगों ने कलाकार ऋतिक की इस कला का भरपूर लुफ्त उठाया। उनसे दिनेश दसुंदी की रिपोर्ट। सरदार दो तुम तीन फिर भी खाली हाथ आए। सरदार हमने सोच किया है कि सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा। सरदार हमने तुम्हारा नमक खाया है, अब तो गोली खा। सबसे आप ये कार्य करते आ रहे हैं? सर ये बहुरूपिया कला जो है ये बहुत ही पुरानी कला है सर, हमारी 7 पीढ़ियां हो चुकी है इस कला के अंदर। और हम बहुरूपिया कलाकार सर राजस्थान के रहने वाले हैं, शिखर रोड पे गांव में मेरा ढोरसर, गांव ढोरसर है, तहसील चमू है, थाना गोविंदगढ़ है। नाम मेरा ऋतिक है, पिताजी का नाम सर बबलू है, दादाजी का नाम समूह यहाँ है ये है सर। हम पूरी फैमिली है सर, अपनी अपनी पूरी फैमिली है, जिस पूरी फैमिली के अंदर 4 तो हम भाई हैं, एक पापा हैं और मम्मी है। अच्छा, तो ये कितने दिन तक आप करते हैं उसके बाद किस तरह के सहयोग लेते हैं? जैसे गांव के अंदर 3-4-5 फेरी रहती है, जैसे एक दिन नारद मुनि बन के लोगों का मनोरंजन करते हैं, कभी रावण बन के लोगों का मनोरंजन करते हैं, नए रोल करते हैं, जैसे सर कोरोना वायरस है, गब्बर सिंह है, जोकर है, रावण है, भूत। इसके बदले में आपको क्या मिलता है? ये सर जो भी फिर मार्केट से सर अपन को दुकान से जो अपन को मिलता है उससे सर हमारा पेट भर जाता है। तो अभी तक प्रशासन के तौर पर आपको किसी तरह की मदद मिली या नहीं मिली? नहीं मिली सर, प्रशासन के तौर पे तो ये मदद मिल जाती है कि सर जैसे कोई भी गाँव में हम जाते हैं तो थाने से हमको ये सहयोग मिल जाता है कि मुसाफिर लिस्ट में सर हम जाके थाने में खुद बाकायदा नाम पता लिखवाते हैं, साहब से गाँव में रहने की परमिशन लेते हैं और साहब हमको बोल देते हैं कि तुम गाँव में रहो और तुम तुम्हारा बहुरूपिया का काम करो, तो ही सर उस गांव में हम काम करते हैं। वरना अगर हमको पुलिस प्रशासन मना कर देती है, हमारे नाम पता वगैरह नहीं लिखती है, तो वो गांव हम छोड़ देते हैं। क्या नाम लिखते हैं? ऋतिक बहुरूपिया, राजस्थान जयपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।